हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम घमंड का फल का चैप्टर पढ़े थे। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। वन नंबर देखो, भोरे को किन बातों का अभिमान था? भोरे को किन बातों का अभिमान था? भोरे को अपनी इंद्रधनुषी रंग और मधुर कंठ के लिए अभिमान था। टू नंबर, भोरों ने तितलियों को किस तरह नीचा दिखाया? भौरियों ने तितलियों को कहा कि तुम सब चित्ताकर्षक और बहुत सारे रंगों से भद्दे दिखाई दे रहे हो और तुम गूंगी हो। इस तरह कहकर वो तितलियों को नीचा दिखाया। थ्री नंबर, कमल के फूल कहाँ खिलते हैं? भौरों ने कमल का हृदय किस प्रकार दुखित किया? कमल के फूल कीचड़ में खिलते हैं। भौरों ने कमल का हृदय दुखित किया। वो कहने लगा कि गुलाब कहता है कि वो फूलों का राजा है और वो सच ही कहता है, क्योंकि कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है और जो कीचड़ में खिलता है वो फूलों का राजा कैसे हो सकता है। ये कहकर वो फूल कमल को भोरे ने दुखित किया। फोर नंबर, भोरे का घमंड किस तरह चूर हुआ? महादेव ने भौरे की इंद्रधनुषी रंग और उसकी मधुर वाणी को छीन ली, इस कारण उसका घमंड चूर हुआ। इस पाठ से क्या सीख मिलती है? इस पाठ से ये सीख मिलती है कि घमंड करने से फल हमेशा बुरा होता है। घमंड का फल हमेशा बुरा होता है। भाषा और व्याकरण देखो। वन नंबर, कष्टों में दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से वाक्य पूर्ति करो। डेस ने कहा, यहाँ पे देखो बॉक्स में है तितली, तितली का बहुवचन होगा तितलियाँ, तितलियों ने कहा। डेस ने शोभा की, फूल, फूल का बहुवचन है फूलों, लो में ओ की मात्रा होगा, फूलों ने शोभा की। अब टू नंबर देखो, पढ़ो और समझो। इंद्रधनुष, इंद्रधनुषी, लालच, लालची, देश, देसी, घमंड, घमंडी, धन, धनी, गुण, गुणी, दरबार, दरबारी, जंगल, जंगली। यहाँ पे सारे शब्द में ई की मात्रा लगाया गया है और ई की मात्रा लगाकर विशेषण शब्द बनाया गया है। और इस शब्दों को अब जो ई की मात्रा लगाकर विशेषण बनाया गया है शब्द को वाक्य में प्रयोग करोगे। यहाँ जो इंद्रधनुषी, लालची, देसी, घमंडी, ई की मात्रा लगाया गया है, इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करोगे। उसके बाद देखो थ्री नंबर, निम्नलिखित शब्दों को स्त्रीलिंग में लिखो। गूंगा, गूंगा का स्त्रीलिंग क्या होगा? गूंगी, राजा, रानी, काल, काली, भद्दा, भद्दई, मेरा, मेरी, बालक, बालिका, सिंह, सिंहनी, मोर, मोरनी। ठीक है, समझ में आया सबको? उसके बाद देखो फोर नंबर, वाक्य में आए विशेषण को रेखांकित करो। भोरे मीठे मीठे उल्हाने देकर उड़ जाता। यहाँ पे विशेषण मतलब किसी शब्द का विशेषता वाला बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो भोरे जो उल्हाने देकर उड़ जाता था, कैसे उल्हाने? मीठी मीठे, तो यहाँ पे मीठे मीठे जो है वो विशेषण शब्द है। महादेव ने उसका सुंदर रूप ले लिया, महादेव ने उसका रूप ले लिया, तो कैसा रूप था उसका? सुंदर था, तो सुंदर रूप ले लिया, तो सुंदर है विशेषण शब्द। ठीक है, यहाँ पे मीठे मीठे और सुंदर जो है वो है विशेषण शब्द। फाइव नंबर, तुम अपने को फूलों का राजा कहते हो। इस वाक्य में तुम किस प्रकार का शब्द है? इस वाक्य में जो तुम व्यवहार किया गया है ये सर्वनाम शब्द है। इसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। नाम के बदले जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इन शब्दों को दो भिन्न रूप का वाक्य में प्रयोग करो। तुम अपने को फूलों का राजा कहते हो, इन शब्दों को अब दो अलग रूप में लिखोगे। सिक्स नंबर, सही पढ़ो, सही लिखो, इसको पढ़ोगे और लिखोगे। थैंक यू।